हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेलिब्रेट कुकिंग। मैं हूं अश्मी। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रीमी एंड रिच ग्रेवी वाली रेसिपीज बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इस गर्मी के मौसम में इतनी मेहनत करने का मन बिल्कुल नहीं करता। इसलिए आज मैं लेकर आई हूं क्रीमी काजू पनीर की रेसिपी, जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और टेस्ट में आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आप इस रेसिपी को तंदूरी लच्छा परांठा के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में है आप में से किसी एक की दी हुई सीक्रेट किचन टिप। तो चलिए शुरू करती हूँ क्रीमी काजू पनीर की रेसिपी। काजू पनीर बनाने के लिए सबसे पहले 10 से 12 काजू पानी में भिगो लेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे कुछ वेजीज, जैसे आधा प्याज, आधी लाल शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है, और आधी हरी शिमला मिर्च। इन्हें चॉप कर लेंगे इस तरह बड़े चौरस टुकड़ों में। वेजीज रेडी करने के बाद तैयार करेंगे काजू पनीर की ग्रेवी का पेस्ट। बहुत आसान है। एक ग्राइंडिंग जार लें और उसमें डालें काजू जो भिगो कर रखे थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरह रफली चॉप करके, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 3 हरी मिर्च, इन्हें भी रफली चॉप करके डाल देंगे। बस अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे और बनाएंगे एक फाइन पेस्ट। ये देखिए, एक फाइन पेस्ट तैयार है। इन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करते समय थोड़ा सा पानी डाल लें, लगभग 4 से 5 चम्मच, और आपका पेस्ट बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाएगा। पेस्ट तैयार है, अब बनाते हैं क्रीमी एंड रिच काजू पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। सबसे पहले कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑयल गरम कर लें, फिर जो वेजेस चॉप की थी उन्हें सॉटे कर लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि इन वेजेस का जो कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम मीडियम आंच पर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वेजेस को सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, अगर ओवर कुक कर देंगे तो ये वेजेस सॉगी हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूंगी एक प्लेट में और अलग रख दूंगी। अब बचे हुए तेल में डाल देंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था। अपनी गैस फ्लेम को आप स्लो से मीडियम आंच पर ही रखें। इस पेस्ट को सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट में ही इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा और एक बढ़िया खुशबू आने लगेगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, पेस्ट पक्के तैयार है। अब इस पेस्ट में मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी मलाई। ये लगभग 100 ग्राम मलाई है। इसे एक बार करछी से चला लें और फिर डालें आधा कप दूध। अगर आप मलाई प्रेफर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ दूध में भी इस ग्रेवी को पका सकते हैं। बस अब इस ग्रेवी को गाढ़ा होने तक पकाना है। इस ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले डालेंगे। इन्हें अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध और इससे ग्रेवी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो मैंने यहाँ टोटल 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है। काजू पनीर की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब डालेंगे पनीर, जिन्हें मैंने बड़े स्क्वायर पीसेस में कट किया है, और साथ में ही डाल देंगे सॉटे की हुई सब्जियाँ। इन्हें हल्के हाथ से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी जब आप खाना सर्व करने वाले हों तभी इन सब्जियों को और पनीर को ऐड करें। ऐसा करने से पनीर सॉफ्ट रहेगा और सब्जियों की क्रंचीनेस बनी रहेगी। काजू पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी कितने कम टाइम में तैयार हो गई और टेस्ट में सच में आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अब बारी आती है सीक्रेट किचन एंड हेल्थ टिप की। आज की टिप दी है चरणजीत ने, जो है न्यू दिल्ली से। उनका कहना है, अक्सर घरों में चावल ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे जाते हैं, तो हमेशा चावलों को स्टोर करते समय आप जिस भी डिब्बे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1 तेज़ पत्ता डाल दें और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। ऐसा करने से चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। और कोशिश करें चावल स्टोर करने के लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें।
आई होप ये टिप आपको जरूर काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों के पास भी है कोई सीक्रेट किचन और हेल्थ रिलेटेड टिप्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी आपके नाम के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।